हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं आज हम लोग अभी जो आर्टिकल 370 और 35 ए हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक, आपको यहाँ कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में बता दूँ। तो आपको बता दूँ कि 1947 में अपना भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, 15 अगस्त। और 15 अगस्त को आज़ाद तो इस समय 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत की विलय कर लिया था। 3 रियासतें बची हुई थी जिनमें एक थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस द्वारा भारत में मिला लिया था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, और जम्मू कश्मीर को यहाँ के जो राजा थे हरी सिंह, उनने विलय पत्र करके भारत में मिला लिया था। तो 1948 में विलय पत्र हस्ताक्षर हुए थे, मिलाया गया। रक्षा, इसके तहत रक्षा, विदेशी मामले और संचार भारत के हवाले किए गए थे और बाकी यहाँ। 1951 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, 26 जनवरी 1957 को संविधान लागू हुआ यहाँ। ठीक है, आपको यहाँ कुछ और जानकारी दे दें। यहाँ विधानसभा की सीटें हैं 111, जिसमें से पीओ के लिए 24 हैं, बाकी जम्मू कश्मीर के लिए, और विधान परिषद हैं 36। यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, होता था, लेकिन आपको यहाँ बता दें, यहाँ विधानसभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा, संविधान सभा बोला जाता था इसे। यहाँ कई जैसे भाग राज्यपाल का शासन लगता था, राष्ट्रपति कोई यहाँ जम भूमि क्रय विक्रय नहीं कर सकता था, वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता था, नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू होते थे, मूल कर्तव्य यहाँ लागू, इसी तरह के अन्य प्रावधान भी यहाँ लागू नहीं होते। पिछले लेक्चरों में हमने बात की थी उन पर, उनमें देख ले सकते हैं आप लोग। तो अभी जो करंट में हुआ है इसे देख लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को जो इसमें बदलाव हुआ 35 से और 370 को हटाया गया, इसे देखते हैं। तो आपको यहाँ बता दें कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद को ख़त्म कर दिया 370 को। इसी 370 के तहत 370 के तहत 35 से लागू किया गया था और ये दोनों अस्थाई थे, ठीक, कभी भी राष्ट्रपति हटा सकता था। यहाँ एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि कोई भी संविधान संशोधन होता है तो यहाँ की विधानसभा से सहमति लेना अनिवार्य था। वो अभी आपको पता हो कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसी के लिए इनकी बिना सहमति के इसे हटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला हुआ है, जिसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किया है। केंद्र के इस बड़े फैसले की बड़ी बातें हैं, देखते हैं। गृह मंत्री के संसद को बताया कि अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया और इस आदेश पर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। अनुच्छेद 370 के ख़त्म होने के साथ अनुच्छेद 35 भी ख़त्म हो गया, जिसमें राज्य की स्थायी निवासी की पहचान होती थी। सरकार ने अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ साथ प्रदेश के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव किया गया है कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर की जगह अब 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, एक का नाम होगा जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम लद्दाख। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगा। जम्मू कश्मीर की विधायिका होगी जबकि लद्दाख में कोई विधायिका नहीं होगी। अनुच्छेद 370 का केवल एक खंड बाकी रखा गया जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी बदलाव का आदेश जारी कर सकते हैं। गृह मंत्री ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा देने का प्रस्ताव वहां की सुरक्षा की स्थिति और सीमा पार से आतंक की स्थिति को देखते हुए किया गया है। यहां कुछ और बातें याद रखिए। अब यहां की संविधान सभा, जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बोला जाता था, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष था, अब यहाँ विधानसभा बोला जाएगा, अब 5 साल होगा इसका कार्यकाल, ठीक है। लद्दाख में प्रशासक होगा और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल, ठीक। तो दोस्तों ये थी बदलाव हो गए, अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को 370 के तहत जो मिला हुआ था, ठीक। और अब
याद रखिएगा 28 राज्य बचे हुए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं अपने इंडिया में, ठीक है, भारत में। तो ये हैं मैन, नोट कर लीजिए, ये हैं मैन तथ्य।